Alrighty, तो ये आपका होमवर्क है जो कि आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए था। दूसरे सेक्शन में काफी सारे बच्चों ने कर भी लिया हुआ है, और बट लेट मी आइटरेट थ्रू ऑल द होमवर्क। अच्छा, ये है क्या रेंज बिटवीन 1 to 100? अच्छा, आई होप के एवरी वन ऑफ यू, यार ये क्यों नहीं आ रहा इसमें उमर, ये आयुष। अच्छा, हो रहा है, ठीक। ओके, सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू वन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच, एच इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइट, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ एच इज इक्वल टू इंट ऑफ एच, ठीक है। तो इसको मैंने चलाना शुरू किया और मैंने यहाँ लिखा व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एच, और यहां मैं करता हूं प्रिंट आई, और यहां पे आई प्लस इक्वल टू वन कर देता हूं, प्लस इक्वल टू वन। और यहां मैं प्रिंट आई दोबारा कर देता हूं। चलेगी ये लाइन चलेगी ना, तो वो हाइट मांगेगा, हाइट हमने एंटर की लेट्स से 5 एंटर, तो ये इसके अंदर आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? आपसे नहीं पूछा, जिससे पूछे जाए वो जवाब दे। जी बता, आपका नाम क्या है? एमन, बताएं जी। लाइन नंबर 7 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? शुरू में आई की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2। फिर ये क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है? तो ये दोबारा आएगा, क्या प्रिंट करेगा? हाँ, 2 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगी, 3, और फिर ये अंदर जाएगा, क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है? तो ये क्या प्रिंट करेगा? 3, ठीक है। फिर ये है जी, अच्छा मैं यहां पर लिखता हूँ आउटसाइड बल्कि आफ्टर, और यहां मैं लिख देता हूं इनसाइड, ठीक है, और यहां पे भी मैं एक दफा प्रिंट लिख देता हूं, और ये लिखता हूं बिफोर, ठीक है, और यहां पे भी मैं आई लिख देता हूं। सो कैन यू टेल मी कि क्या प्रोग्राम की आउटपुट होगी? पहले हाइट इंटर करवाएंगे, चला लेते हैं, हाइट एंटर करवा रहे हो, लेट से मैंने 5 एंटर कर दिया, मैं एंटर नहीं दबा। जी बताएं क्या होगा? सबसे पहले ये बिफोर प्रिंट करेगा, आई क्या आएगा? 5, 1 आएगा, तो बिफोर 1 लिखा हुआ आएगा, ऐसे ही है। उसके बाद क्या आएगा? ये अंदर आएगा, इनसाइड क्या क्या लिखा हुआ आएगा? इनसाइड 1, फिर इनसाइड 2, फिर इनसाइड 3, इनसाइड 4, इनसाइड 5, और 6 हो जाएगी आई की वैल्यू, है ना, और 6 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये बाहर आएगा, और फिर क्या प्रिंट होगा? आफ्टर 6, ठीक है। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस, यू कैन सी दिस, सो बिफोर द लूप हाइट की वैल्यू, बिफोर बिफोर की वैल्यू 1 है, फिर इनसाइड में 1 2 3 4 5 तक आया, और आफ्टर के बाद 6 आया। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आई होप कि एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसको मैं खत्म करता हूं। यार ये म्यूट रखे ना, ठीक है। ओके, इसको ना मैं कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, और ये मैं कंट्रोल सी करता हूं,
क्या नाम तुम्हारा? उमर, उमर, उमर यार, ये ना प्रोग्राम में जो लिखते जा रहा हूँ ना उसके तुमने प्रोग्राम वन प्रोग्राम टू के साथ सेव कर लेना, ठीक है? ये सर हमारे पास होगा, इनको नहीं देना। अच्छा अब मैं प्रोग्राम टू बना रहा हूँ, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, और चेंजेस ये कर रहा हूँ कि अब मैं ये बिफोर आफ्टर वगैरह डिस्प्ले नहीं कर रहा, और अब मैं ये कर रहा हूँ। हाँ जी आप मुझे कोई बताया क्या आउटपुट होगी जी? आप बताएं मुझे, आप बताएं। वैसे पहले आपसे हाइट पूछ रहा है, फिर हाँ हाँ बताएं ना, ये क्या प्रिंट क्या हो, क्या होगा? पहले आई की वैल्यू वन है, प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट टू होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस वन, जो कितनी हो जाएगी? टू, और फिर क्या होगा? फिर ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? फिर फोर प्रिंट होगा, फिर सिक्स प्रिंट होगा, फिर एट प्रिंट होगा, फिर टेन प्रिंट होगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस, हाइट मैंने एंटर की लेट से 5, तो ये 10 तक डिस्प्ले होगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अगर मैं माइनस वन भी करता हूं, अब क्या होगा? सॉरी, ऑड नंबर्स डिस्प्ले होंगे। पहले दफा वन डिस्प्ले होगा, फिर थ्री, फाइव, सेवन, नाइन तक होगा। तो हाइट मैंने ली और हाइट की वैल्यू 5 ली। ओहो, हाइट की वैल्यू 5 ली। एंटर दबाया, यू कैन सी दैट कि ऑड नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे क्या? ओके ओके। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर मैं यू करूं तो क्या होगा? अब क्या डिस्प्ले होगा? हाँ, स्टार से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो स्टार से मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ? कंकैटिनेशन हो जाएगी ना। तो कितनी दफा आउटपुट होगा? जितनी दफा आई की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू शुरू में कितनी है? 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरह। और मेन लाइन पे भी आता है, तो इसको चलाते हैं। तो चलाएंगे तो लेट्स से 5, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? सो अगर आप होमवर्क पे जाएं तो ये प्रोग्राम नंबर 2 तो बड़ा सिंपल है, आपने बस उसको चलाना है, देखना है क्या आउटपुट आ रही है और बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये हमने कर लिया है ना, ये आप लोगों को कर लेना चाहिए था। अच्छा अगर उलट चलाना है तो कैसे करेंगे? हाँ, आई की वैल्यू 5 कर देते हैं, आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देते हैं, और यहां पे एच कर देते हैं, और यहां पे माइनस इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है? अब चलाएंगे तो क्या होगा? हाइट, हाइट की वैल्यू 5 है, यू कैन सी दैट, ठीक है? दोबारा चलाता हूं, हाइट की वैल्यू 10 कर देते हैं, 10 की आउटपुट देंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। मैं इसे दोबारा कर रहा हूं, इसको 1 कर देता हूं, इसको मैं लेस देन और इक्वल टू एच कर रहा हूं, ठीक है? और यहां पर मैं यही कर रहा हूं, और यहां पे मैं प्लस सी इक्वल टू कर रहा हूं, ठीक है? चला दिया, क्या आउटपुट आएगी? 5, ये ऐसे होगा, ठीक है? अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां पे 2 से भी मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? जी बताएं क्या होगा? आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं। पहले तो 2 स्टार्ट पे, फिर 4 स्टार्ट पे, फिर और कहां तक? एच की वैल्यू अगर 5 है तो 10 तक जाएगा, ठीक है? सो मैंने चलाया, हाइट की वैल्यू 5 है, यू कैन सी दैट, ठीक हो गया? सो फार सो गुड। जी सॉरी, पता नहीं, जो मर्जी नाम दे दो यार, ठीक है? फिलहाल आई एम इंटरेस्टेड कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि लूप कैसे चल रहा है, ठीक है? और आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन कैसे होती है, ठीक है? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा आप एक बात बताएं,
ये मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, और यहां पे मैं आई रखता हूं तो क्या आउटपुट होगी? स्टार। अगर अगर वॉर्स देखे, अगर मैं यहां पे कह दूं कि डैश प्रिंटो और वो मल्टीप्लाई हो एच माइनस वन दफा, ठीक है, बल्कि एच माइनस वन दफा नहीं, बल्कि मैं इस तरह की तस्वीर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ और डिस्प्ले कुछ इस तरह करना चाहते हैं। ये मैं, लेट मी टेक कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, मैं कुछ इस तरह की तस्वीर लेना चाह रहा हूँ, आउटपुट लेना चाह रहा हूँ कि एच की वैल्यू लेट से 5 है। अगर 5 है तो वो क्या करे? शुरू में 4 दफा डैश डिस्प्ले करे, फिर 1 दफा स्टार डिस्प्ले करे, फिर 3 दफा डैश डिस्प्ले करे और 2 दफा स्टार डिस्प्ले करे, फिर 2 दफा डैश डिस्प्ले करे और फिर 3 दफा स्टार डिस्प्ले करे, फिर 1 दफा डैश डिस्प्ले करे और 4 दफा स्टार, और फिर 0 दफा डैश डिस्प्ले करे और 5 दफा स्टार डिस्प्ले करे। दैट्स द पिक्चर वी वांट टू मेक। ओके, अगर आप इसको देखें तो ये आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये क्या है, आई की वैल्यू 2 है, ये क्या है, आई की वैल्यू 3 है। ये कब होगा? जब आई की वैल्यू 4 होगी। ये कब होगा? जब आई की वैल्यू 5 होगी। ठीक है यार, उस्मान और वो किधर है? इमान, इमान किधर है? क्यों नहीं आया? उनसे पूछो किधर है। इसमें अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पे कुछ डैशेस डिस्प्ले होनी है और फिर यहाँ पे स्टार डिस्प्ले होना। तो आप मुझे पहले ये बताएं कि डैशेस कितने डिस्प्ले हुए? 4 हो रहे। कैन आई से एच माइनस 1? कैन आई से एच माइनस 2? कैन आई से एच माइनस 3? ठीक है, कैन यू टेल मी द पैटर्न? हाँ जी, एच माइनस आई, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एच माइनस आई, ठीक है। और अगर स्टार्स की बात की जाए तो पहली दफा 1 स्टार है, दूसरी दफा 2 स्टार है, तीसरी दफा 3 स्टार है, और आई दफा कितने स्टार हो गए? आई स्टार हो गए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या आउटपुट होगी? एग्जीक्यूट, हाइट की वैल्यू से मैंने 5 ली, तो ये गलती कह रहा है। क्या गलती कह रहा है? पढ़े जी, मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आप पढ़े जी, पढ़े। ये कह रहा है इस लाइन पे एरर है, पहले तो कह रहा है लाइन नंबर 9 पे एरर है। लाइन नंबर 9 बेटा ये वाली लाइन है ना, इस पे अगर आप क्लिक करें ना तो ये आपको उस पे ले जाता है। कह रहा है इस लाइन में एरर है। अच्छा, इस लाइन में एरर क्या है ये पढ़े क्या लिखा? और कह रहा है इस लाइन में मसला, ये रेड कर दिया इसने यहाँ पे ना, और कह रहा है टाइप एरर, और लिखा क्या हुआ पढ़े यहां से, कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर माइनस, यानी नेगेटिव नहीं कर पा रहा, यानी माइनस सब्ट्रैक्शन वो नहीं कर पा रहा। किसके दरमियान में? स्ट्रिंग के दरमियान में और इंटीजर के दरमियान। ओके, पढ़ते हैं क्या मतलब, कहां माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है यहां पे। तो वो कह रहा है कि मैं कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा स्ट्रिंग के दरमियान में और इंटीजर के दरमियान। ये क्या बात है? मैंने तो मल्टीप्लिकेशन करने को कहा, मैंने तो सब्ट्रैक्शन करने को कहा ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन मैंने किसके दरमियान में करने को कहा था? एच माइनस आई के देश में। लेकिन क्योंकि डीमास रूल लगता है, तो डीमास रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो इसलिए हुआ ये कि पहले ये काम हो गया। जब ये काम हुआ तो डैश एच दफा आ गया, और उसमें से आप कह रहे हैं आई माइनस कर दो। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कि स्ट्रिंग में से आई माइनस करो, आई इज एन इंटीजर, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि यहां पे हम ब्रैकेट लगा देते, ठीक है, राइट। और अब इसे चलाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। हाइट, हाइट की वैल्यू लेट से 5 हमने की, तो ये इतना आ गया, ठीक है, ठीक है। बोलो भाई, सॉरी
नहीं ऊपर वाला भी गलत है, क्यों ऊपर वाला भी गलत है, यानी कि ये प्रॉब्लम अंदर स्पेसिफिक इंस्टेबल। थैंक यू क्या सर, क्या स्पेस फेस हो रहा है? हां हां जी, इसके बाद यहां पे आपको एक स्पेस नजर आएगी हर एक बार, ठीक है। इसका क्या फिक्स था, यहां पे लिखते हैं SCP equal to empty space, ठीक है। अब आप चलाएंगे 5 एंड नाउ यू कैन सी कि द सी बिल्कुल ठीक आई, ठीक है। और अब इस डैश की जगह पे मैं सिर्फ स्पेस कर दूं तो ये ट्रायंगल आ जाएगी जो मुझे चाहिए, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, वेरी गुड। कोई इश्यू है तो बता दें जी। सॉरी हाँ, एंड में ना लगानी, मैं बताता हूँ, ठीक है। सवाल समझ में आया था, आपका नाम क्या? मुदस्सिर ने सवाल किया, समझ में आया। मुदस्सिर कह रहा है कि मैंने एक के दरमियान में स्पेस लगानी है, एक के दरमियान में नहीं लगानी, आखिर में मैंने नई लाइन पे जाना है या नहीं जाना, उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे करूँ? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था एंड के बारे में, हाँ व्यू कराया था, ठीक है। तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सबको ये समझ में आ गया? अभी मैं थोड़ा सा ये मैं कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। गिव मी 2 मिनट्स, हाँ ठीक है, 5 मिनट्स, ठीक। अच्छा, व्हाट इफ के मैं ये करूँ, जब गौर से देखिए मैंने ये कोड लिखा, अब क्या होगा? जी को बताएं जी, अब क्या होगा? तो मुझे कोई बता सकता है? तो क्या होगा अगर मैं पहली दफा, सर मुझे बताते जाएं, पहले अगर एच की वैल्यू 5 है तो पहली दफा स्पेसेस डिस्प्ले होंगे 1, 2, 3, 4 और फिर एक स्टार होगा, है ना, क्योंकि 2 माइनस 1 अगली दफा क्या होगा? स्पेस स्पेस स्पेस, 3 स्पेस होगी और 3 स्टार और फिर 1, 2 स्पेस होंगी और 5 स्टार, क्योंकि ऑड नंबर सीक्वेंस बन रहा है 2 to 9 i-1, दैट इज द ऑड नंबर सीक्वेंस जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था, हम। और अगली दफा क्या होगा? अगली दफा 1 स्पेस होगी और यहां पर 7 दफा आएगा और अगली दफा कोई भी स्पेस नहीं होगी और 9 दफा स्टार। Does it make sense? So this will look like an equilateral triangle. Yes? 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 So let me execute this program. So usne height puchi, height maine 5 di and you can see that. Does it make sense? Theek hai? Ye sabko clear hai? Kisi clear nahi to bata de. इसको मुझे स्टेप बाय स्टेप चलाने की जरूरत नहीं है, ओके? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी विद मी। अच्छा एक बात सुने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। उमर यार मैं ये यहां पर कॉपी करते जा रहा हूँ, आपने खुद ही करते जाना, ठीक है? ठीक है, सॉरी अबाउट दिस, मुझे थोड़ा क्लटर कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, गौर से देखते जाए आप सारे, और सेकंड है ओके। Alt Shift Enter, wow,
डिबगिंग शुरू करने का एक तरीका कार ये है कि आप ऑल्ट शिफ्ट एंटर दबाएं, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एंटर से वो पहली लाइन से एग्जीक्यूशन शुरू होती है, तो फिर आप कंट्रोल F10 दबाएंगे तो एक लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलाने का तरीका कार क्या है, डिबगिंग स्टार्ट करने का तरीका क्या है, ऑल्ट शिफ्ट एंटर, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एंटर, क्या बात है, ये मैंने अभी डिस्कवर किया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप का कंट्रोल F10, ठीक है, सही है। और कुछ लोगों के एफ नहीं चल रहे होते तो आपको फंक्शन की भी प्रेस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे मुझे अब इस बात का कोई जवाब दे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ओके जी, ये हमने काम कर लिया ना, व्हाट इफ के हम ये काम करें, ये मैंने प्रिंटिंग की हुई है उसके बाद मैं ये करता हूं, और फर्क सिर्फ ये है, या मैं लिख देता हूं i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां मैं कर देता हूं i माइनस इक्वल टू 1, अब क्या होगा। अच्छा, आई होप एवरीवन इज क्लियर। अभी ये क्लियर था कि जब लूप से i बाहर आता है तो i की वैल्यू क्या होती है, यार यहां पर हमने आके प्रिंट किया था, तो जब यहां पर आके i प्रिंट किया था तो i की वैल्यू क्या थी, 6 h प्लस 1 थी, है ना, कितनी थी। तो अगर मैं यहीं से इसको उल्टा लूप चलाना शुरू कर दूं, उल्टा लूप चलाने का मतलब क्या है कि यहां पे i माइनस इक्वल टू 1 हो रहा है और यहां पे ये प्रिंटिंग हो रही है ना, और यहां पे मैंने कह दिया i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और यहां पे i माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, मैं एक्चुअली उल्टा चला रहा हूं ना। तो बेसिकली अगर शेप को मैं कहूं ऐसे बनी थी तो दूसरी शेप उल्टी बनेगी, ऐसी है, लेकिन एक गलती होगी, मैं चलाता हूं देखना, आपने मुझे बताने से मसला क्या है। ये देखिए मैंने इसे चलाया, इसने हाई कोर्ट से ली 5, मैंने एंटर किया, ये देखिए ये बिल्कुल यहां तक बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है, बट यू कैन सी ए प्रॉब्लम हियर, व्हाट्स दिस प्रॉब्लम जी, सॉरी डिक्रीमेंट पहले मतलब डिक्रीमेंट वाला पहले लिख दूं मैं, उससे क्या हुआ। अच्छा, उसका एक तरीका ये है, देखिए एक्चुअली जब ये लूप ब्रेक हुआ था ना तो i की वैल्यू पहले ही प्लस 1 हो चुकी थी, जब ये लूप ब्रेक होता है, ये जब लूप खत्म होता है तो ये कब खत्म होता है, जब i की वैल्यू इस कंडीशन को वायलेट करती है, और कब वायलेट करेगी, जब i की वैल्यू h से 1 ज्यादा होगी। तो एक तरीका ये है कि मैं यहां पर कर दूं i माइनस इक्वल टू 1, ठीक है, अगर मैं i माइनस इक्वल टू 1 कर दूंगा और अब मैं डिस्प्ले करने को कहूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, बेसिकली ये 5 तक डिस्प्ले होगा और फिर 5 से उल्टा डिस्प्ले होगा, है ना। चलाते हैं, चलाया मैंने 5, ये हो गया। कैन यू सी प्रॉब्लम इन दिस पिक्चर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम डायमंड प्रिंट करना चाहते थे, बट डायमंड का एक मसला ये है कि डायमंड में ये आखिरी लाइन आना चाहिए, उसके बाद ये रिपीट नहीं होना चाहिए। सो अब क्या करते हैं, क्या करते थे, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, टू टू किया हमने, बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप ये ना लिखें बल्कि ये लिखें। ये मैंने क्यों लिखा, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, लेकिन आई वुड प्रेफर दिस, वो भी ठीक है, लेकिन आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट आइडिया। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, ये तो मैंने एक माइनस तो मैंने इसलिए किया क्योंकि जब लूप ब्रेक हुआ था तो ब्रेक ही उस वक्त हुआ था जब वो उसकी हाइट से 1 बढ़ गया था, ये बात समझ आई। तो ये तो मैंने अंडू किया है, अंडू क्या कहना चाहिए, लाइन नहीं, अंडू द लास्ट इंक्रीमेंट, है ना, और एक वन मोर डिक्रीमेंट, ये मैंने क्यों कर रहा हूं, बिकॉज द लोअर ट्राइंगल हैज वन लेस नंबर ऑफ लाइंस, ये बात सुन रहे। तो बाय द वे ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसे कहते हैं कमेंट, क्या कहते हैं कमेंट, और आप हैश के बाद डालते हैं, ठीक है, हैश के बाद जो चीज भी लिखेंगे वो कोड का हिस्सा नहीं होगी, ये आपने अपने लिए लिखा, ठीक है, ओके।
सो आई लाइक दिस. ठीक है, जो आप कह रही है शायद वो भी ठीक हो, वो भी ट्राई कर लेते हैं. यहाँ पर आपका नाम क्या होता है? सना. सना ने कहा ये कर ले. ठीक है, मेरा ख्याल है ये शायद प्रॉब्लम करे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यू हैव टू चेक इट. फाइव सही चला, ये भी ठीक चला. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक दफा ज्यादा दफा चला है. ये देख रहे हो यहाँ पे दो दफा एंटर आ गया, ये देख रहे हैं आप, एम ई एंटर आ गया. ये मेरे ख्याल में इस वजह से है, मेरा ख्याल है. अगर हम ये ना करते, अगर हमने ये जो एंटर है वो यहाँ किया होता और इसको मैंने अनकमेंट किया होता और अब मैं इसे चलाऊंगा हाइट फाइव, एक काम हुआ है ना. असल में हुआ ये कि वो एक दफा डिक्रीमेंट करता है ना, तो आई इक्वल टू वन होता है ना, तो वो वन पे भी वो अंदर आता है और फिर वो जीरो करता है. जब जीरो करता है ना, तो फिर भी वो एक दफा डिस्प्ले करता है, तो उसकी वजह से चीजें खराब हो जाती. ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? यानी एक दफा अल्टरेशन ज्यादा चलती है. ठीक है, जो कि सही बात शायद नहीं है. ठीक है, हमें डिजायर आउटपुट तो आ रही है, बट इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा ये सबको समझ में आ गया बात? सो फार सो गुड, एवरीबडी विल बी. उमर और अमीर, ये ना मोबाइल बंद करते या छुप जाए, नजर ना मिले आपको. अच्छा, सो फार सो गुड, एवरीबडी विल बी. ठीक है, ओके, नाउ ये नीचे वाला तो मैं छुपा रहा हूं. ठीक है, बल्कि मैं ऐसे करता नहीं, इसको मैं कंट्रोल सी. ऑलराइट, नीचे वाला मैं रिमूव इरेज कर रहा हूं और अब मैं कुछ करने लगा हूं और आपने मुझे बताने इसकी आउटपुट क्या है. सारे ना एक पेज निकाल के रखें, उसके ऊपर रोल नंबर नेम आपने लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपकी हर क्लास में क्विज होगा जनरल के और वो होगा एक मिनट का. ठीक है, तो काइंडली आप उसके लिए रेडी रहा करें. जैसे ही आपको कहा जाए कि आप क्विज शुरू होता है, आप क्विज शुरू कर देंगे. ठीक है, उमर यहां पर पॉज हो सकती है रिकॉर्डिंग? अभी नहीं, स्टॉप नहीं करना मैंने, अभी नहीं बता. अच्छा, अब मैं ना आपसे, अब मैं इस कोड में थोड़ी सी चेंजेस करूंगा और आपने मुझे बताना है इसके आउटपुट क्या है. ठीक है, अच्छा बेटा, अभी तक किसी को मसला तो नहीं है? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा, सो लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. अच्छा, अब देखिए मैं एक काम करने लगा और आपने मुझे बताना है मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट क्या है. ठीक है, सो लुक एट दिस. ये मैं प्रिंट कर रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ ये डिस्प्ले करता हूं. ओके, और बाद में मैंने लूप पे नहीं लिखा हुआ. अगर लूप पे नहीं लिखा हुआ तो ये पहली दफा कितने स्टार डिस्प्ले करेगा? अगर एच की वैल्यू 5 है, लेट्स से एच की वैल्यू उसने दे दी, एच की वैल्यू इसके पास आ गई 5. ठीक है, तो कितनी दफा स्पेस डिस्प्ले करेगा और कितनी दफा स्टार डिस्प्ले करेगा? दैट इज समथिंग यू हैव टू राइट. ठीक है, ओके, प्लीज राइट. आपने अब बोलना नहीं है, अपने कॉपी पे देखना है और आउटपुट लिखनी है. ठीक है, यू विल हैव 1 मिनट टू राइट द आउटपुट. अच्छा रुके, अभी मैंने कोड कंप्लीट नहीं किया. अब थोड़ा आराम से देखिए मैं कोड में क्या कर रहा हूं और अपने दिमाग में करते जाए कि ये क्या आउटपुट होगा. अच्छा, इसको मैंने जरा भी चेंज नहीं किया, कंडीशन में जाके मैंने यहां पे -1 लिख दिया. सो व्हाट शुड दिस डू? ऑफ कोर्स लूप, क्या अब भी उतनी दफा चलना चाहिए या एक कम दफा चलना चाहिए या एक ज्यादा दफा चलना चाहिए? अच्छा, बाय द वे आई प्लस इक्वल टू 1 मैं यहां पे कर रहा हूं. ओके, तो पहले आई इज इक्वल टू 1 है, उस आई इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने कुछ स्पेशल डिस्प्ले की, कुछ और कुछ स्टार डिस्प्ले किए, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 कर दिया. ठीक है,
फिर मैंने यहां पे वाइल लिखा है। अच्छा मैं वाइल में मैंने जो चेंज किया वो ये किया, I is less than or equal to h minus 1 लिखा है, ठीक है? Alright. अच्छा अब इस लाइन पे भी मैं चेंज कर रहा हूं और वो ये जितनी स्पेसिस डिस्प्ले हो रही थी वो अब भी उतनी हो रही है। स्टार मैं सिर्फ एक कर रहा हूं, राइट? ओके। और फिर मैं डिस्प्ले करता हूं, ये मैंने क्या डिस्प्ले किया? स्पेस। अगर आपको स्पेस परेशान कर रही है कॉपी पे लिखते हुए तो आप डैश कर लें, ठीक है? और यहां पर भी बेशक डैश कर लें, कॉपी पे लिखना है ना आपने, तो आप यहां पे बेशक डैश कर दें, ठीक है? ओके नाउ लुक एट दिस। और यहां पे मैं माइनस वन की जगह माइनस टू और कर देता हूं, ओके? माइनस टू मैंने और कर दिया। अगर थोड़ा सा दिमाग में देखिए तो पहले जितने पैटर्न बन रहे थे, मैं जितने स्टार बन रहे थे उससे मैंने दो और कम कर दिए हैं, और स्टार नहीं डिस्प्ले कर रहा बल्कि मैं एक और करेक्टर डिस्प्ले कर रहा हूं, थिंक अबाउट दैट, ओके? और उसके बाद मैं एक और स्टार डिस्प्ले कर देता हूं, ओके? ठीक हो गया बात? और लूप जब खत्म होता है उसके बाद हमें काम और करते हैं, हम ये काम करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं कोई स्पेस डिस्प्ले नहीं करता, इसकी जगह स्टार कर देता हूं, माइनस टू भी खत्म कर देता हूं, और सेपरेटर की जरूरत नहीं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? The quiz starts. Stylus, please. आप अपने कॉपी पे देख लें और बताएं इसके आउटपुट क्या। By the way, इसमें एक बग भी है। How much? Please, you have 1 minute to write the output. इसको वो कैसे करते हैं? Still. कहानी इसमें करते हैं वो पेज है, पेज उठा लगा तो कहा
अपने काम पे जाओ। इधर पास करो, आप इधर पास करो। यार से बोले हम प्रमोटर कर फ्रीज लिखा हुआ ये देखो ये इधर आ गया ये है पॉज पॉज है ये 10 सेकंड रहते हैं मेरे से तो नहीं है इट्स वेरी बैड स्टॉप करेंगे तो सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट, ये आप प्लीज दे दें, ठीक है? हम आई देखना चाहते हैं कि आप लोग किधर खड़े हुए हैं, ठीक है? डोंट वरी मच अबाउट इट। हाँ, रोल नंबर और नेम लिखाओ बस। Okay. अच्छा एक छोटी सी बात बतानी थी आप लोगों को, ये बड़ी जरूरी बात है। वो ये कि जो क्विज है ना, क्विज में बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा हमने क्विज कितने लेने हैं बताओ, तकरीबन हमने 30 से करीब क्विज लेने हैं, ठीक है? और उसमें से जो हमने चूज करने हैं ना वो 5 या 6 हैं, यानी जो आपके बेस्ट 5 या 10 होंगे ना वो हम चूज कर लेंगे, ठीक है? तो आपका एक खराब भी हो जाए तो शामिल तो नहीं, ठीक है? लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं क्या, हमें आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। ऑनेस्ट ओपिनियन समझते हैं आप कि आपको क्या आता है, तो करंट अकाउंट ना देखें, ठीक है? जितना आता है बस वही लिखें, मुझे इतना आता है मुझे नहीं आता, जो भी आप लिखते हैं ऊपर वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है? ये सबको समझ आएगा, दिस विल बी मोस्टली अटेंडेंस, ठीक है? लेकिन हम मार्क करेंगे ताकि हमें पता लगे कि कौन सा बच्चा कहाँ पे लाइक करता है, ठीक है? जो क्विज की वेटेज है वो 5% भी नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? लेकिन गिव ऑनेस्ट ओपिनियन, दिस इज एन ऑनेस्ट फीडबैक फॉर ऑल ऑफ अस कि हम पढ़ा जो रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज डोंट चीट, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट नाउ कि आप कोई भी किसी और का कोड को देखें, ठीक है? जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने वो लिख लिया, ठीक है? ठीक है, रेज योर हैंड, ठीक है? सो दिस इज अ प्रॉमिस, ओके? चलो चलो। अच्छा अगर आप गौर से देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज ये पैटर्न तो मैंने चेंज ही नहीं किया है ना, मैंने पैटर्न अगर चेंज किया है तो ये पैटर्न चेंज किया है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें से मैंने दो माइनस कर दी,
आप सही। तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये पैटर्न तो मैंने चेंज ही नहीं किया है ना। और यहां मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने जो जो स्टार डिस्प्ले करने थे उसकी जगह मैंने डैश डिस्प्ले करवाया और दो कम करवाए। यानी कि अगर आप देखें अंदर वाले तस्वीर को, पहले लाइन को छोड़ दें तो दूसरी लाइन में कितने स्टार डिस्प्ले हो रहे थे, 3 स्टार डिस्प्ले हो रहे थे है ना। तो हमने दो माइनस कर दिए तो कितने स्टार कितने रह गए, 1 रह गया। और मैं अब स्टार डिस्प्ले नहीं कर रहा बल्कि स्पेस डिस्प्ले कर रहा, तो एक स्पेस डिस्प्ले हो गई, ये बात समझ। तो बेसिकली बाय द वे, और मैंने आई इज इक्वल टू 1 जो है वो ऊपर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अगर यहां पर मैं इसकी आउटपुट बनाऊं तो बेसिकली पहली लाइन तो बड़ी सिंपल सी है, क्या है कि आपने h माइनस 1 डैशेस डिस्प्ले करनी है और एक स्टार डिस्प्ले करना, ओके। और दूसरी लाइन में और फिर i प्लस इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसके मतलब i की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ओके। अब वो सेकंड लाइन के लिए आता है कि जितनी स्पेसेस डिस्प्ले करनी थी वो उतनी करो, यानी h माइनस माइनस 2 होगी, जिसका मतलब है 3 स्पेसेस। उसमें आपको कहता है कि एक स्टार डिस्प्ले करो, तो एक स्टार डिस्प्ले करो, और जो स्पेसेस हैं वो जितने पहले स्टार करने थे उससे दो कम स्पेसेस डालो, यानी कि यहां पर अब एक स्पेस आ गई, ओके। और उसके बाद मैंने क्या कहा, दोबारा से स्टार कर दिया डिस्प्ले करने, तो एक और स्टार आ गया, ये बात समझ आई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कहता है कि दो स्पेसेस, उसके फौरन बाद स्टार, और उसके बाद आप 5 स्पेसेस की जगह पर, स्टार की जगह पर 3 स्पेसेस डिस्प्ले करो, ठीक है, और क्या करो, एक एक स्टार। और अब जब चलाएंगे एक स्टार एक स्पेस एक स्टार और 5 स्पेसेस और फिर एक स्टार, और आखिरी लाइन के लिए फिर मैंने क्या किया, अरवाज में बात सुने, मैंने h माइनस 1 दफा चलाया। h माइनस 1 दफा चलाने का मतलब क्या है, ओके, तो 4 टाइम चल गया, यानी 4 लाइनें हो चुकी हैं। अब आखिरी लाइन मैंने फिर दोबारा लूप से बाहर कर दिया, और उसको मैंने लूप के अंदर जानबूझ के नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसका पैटर्न जिस तरह पहली लाइन का पैटर्न डिफरेंट है, इस तरह आखिरी लाइन का पैटर्न भी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि आखिरी लाइन में सारी स्टार से डिस्प्ले है ना, तो इसलिए वो अलग कर दिए। और इसमें कितने हैं, उसमें बेसिकली हैं ही सारे स्टार, और वो ये स्टार। सो एक्चुअली दिस इज गोइंग टू प्रिंट ए होलो ट्रायंगल, इक्वलिटी ट्रायंगल, ये बात समझ आई। सो अगर मैं चलाता हूं ये आउटपुट ठीक नहीं आएगी, कैन यू टेल मी क्यों नहीं आएगी, एक मिनट देखिए मैं आउटपुट चलाता हूं, छोटा सा एक बग आएगा, आपने मुझे बताना है क्या बग है, ये पिछली क्लास में पूछा था तो बता दिया था। ये देखिए मैंने हाइट इज इक्वल टू 5 का ये आउटपुट आई, क्या मसला है, नीचे वाली चीज बिल्कुल ठीक आई है, सिर्फ पहले हमने मसला है, क्या मसला है, सेपरेटर नहीं डाला। तो बेसिकली यहां पर हम एक सेपरेटर डालना भूल गए, सेपरेटर इज इक्वल टू दिस। और अब मैं अगर इसको चलाता हूं, अब मैं इसे चलाऊंगा h is equal to 5, you can see that your space आ गई, और the only change is कि यहां पे star space कर दो और यहां पे भी space कर दो और यहां पे भी space कर दो, ठीक है, does it make sense? और अब हम चलाएंगे, height की value हमने let's say 10 enter की, the height की value let's say 10 enter की, you can see that, ठीक है, हॉलो डायमंड डिस्प्ले हो गया, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा अगर आपने हॉलो डायमंड डिस्प्ले करना हो तो क्या हो, हाँ? क्या पहली बात तो ये बताया, क्या दरमियान में लाइन आनी नहीं आनी, इसका मतलब है कि मैंने h-1 का लूप लगाया और वो h-1 का लूप नहीं होगा, बल्कि कहां तक जाएगा, वो h तक पूरा जाएगा, ठीक है, ये सबको समझ में आई बात। और फिर क्या होगा, फिर मैं दूसरे वाले लूप को उल्टा लगाऊंगा, लेकिन क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तक होगा, 2 तक होगा, क्यों, क्योंकि आखिरी लाइन में दोबारा से एक स्टार आना है, जिस तरह से मैंने इस एक स्टार के लिए ऊपर लूप लगाया, तो बिल्कुल इसी तरह नीचे वाले आखिरी वाली लाइन के लिए मुझे जो आखिरी वाला जो अट्रेशन है लूप से बाहर लगाना पड़ेगा, ये सब समझ आ रही बात, ठीक है। ये आपके लैब का क्वेश्चन है, क्या आपने डायमंड डिस्प्ले करना है और फिर डायमंड को क्या करना है, हॉलो डायमंड प्रिंट करना,
हॉलो वर्जन आप डिस्प्ले कर, ये सब समझ में आएगा। सो लैब में मैं आपको बताया था लैब में जो सवालात हैं वो क्या हैं, वो अगर मैं सवालात आपको दिखाऊं तो बेसिकली एक सवाल तो ये है कि ये जो आपने शेप्स बनाई है ना, ये वाली शेप बनाई है, इन शेप्स के हॉलो वर्जन डिस्प्ले कर। हॉलो वर्जन का मतलब क्या है, पहले में एक स्टार आएगा, दूसरे में दो स्टार आएंगे, तीसरे में क्या होगा, दो स्टार आएंगे, ये बात समझ में। और फिर नीचे में क्या आएगा, नीचे में फिर एक स्टार, दो स्पेशल एक स्टार, ठीक है, और इस तरह आखिरी लाइन में सारे स्टार आएंगे। सो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल, एक लाइन बाहर निकालनी है या दो लाइन बाहर निकालनी है, दैट्स समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो दो से हो जाएगा, ठीक है, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू डू इट, ठीक है। चलें जी, अब असाइनमेंट में अगर आप आ जाएं तो ये असाइनमेंट का सवाल तो बड़ा सिंपल होना चाहिए। हमने क्या करना है, रेंज बिटवीन 100 टू 200, हमने सारे लूप लगाना है जो कि 100 से लेकर 200 तक जाए, 200 इंक्लूडेड, तो इसका मतलब है कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 200 आ जाएगा, ठीक है। और आई स्टार्ट कहां से होगा, 100 से स्टार्ट होगा, 100 से होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ। दूसरा है इवन नंबर डिस्प्ले करें बिटवीन 100 टू 200 इंक्लूडिंग 200, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस इक्वल टू 2 आएगा, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज डिफरेंट। तीसरा क्या, ऑड नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या करें, आई को हम 101 से इनिशियलाइज करेंगे और फिर प्लस 2 करते हैं, शाबाश। फिर है मल्टीपल ऑफ 5, यू कैन इजीली डू दैट। फिर है मल्टीपल ऑफ 10, आई थिंक दिस दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मेरे ख्याल में ये एक एक मिनट का सवाल है, अगर आपने एक कोड कर लिया तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, 10 ये 5-10 मिनट में हो जाने चाहिए। ऊपर जो सेकंड कॉलम है उसमें बस वो डिक्रीमेंटल लूप है, तो वो बेसिकली आपने जो लूप है वो उल्टा लगाना है, तो आई को आप 200 से स्टार्ट करेंगे, आई कंडीशन को आप चेंज करेंगे, दिस शुड बी वेरी सिंपल। जो सेकंड प्रोग्राम है आपको प्रोग्राम दिया होगा, उसकी आउटपुट बतानी है, तो जानबूझ के आपको इमेज दिया ताकि आप खुद लिखें, खुद खेलें कि मैं हम ये क्या करें, ये क्या करें, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी विद मी, ओके। उसके बाद हमने ये ट्रायंगल्स के ऊपर बात कर लिया, ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं सबको, ओके जी। अब हम जाते हैं इस, आई थिंक टेबल वाला भी हमने काम कर लिया हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाते हैं, दैट्स द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ओके। अब हमें सीक्वेंसेस डिस्प्ले करनी है, अगर आप सीक्वेंस को देखें तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो 1, 5, 2, 15, 3, 25, इसको अगर आप गौर से देखें तो यहां पर दो सीक्वेंसेस इकट्ठी चल रही है, एक सीक्वेंस है 1, 2, 3 और इस तरह से चलती जाएगी, वो जो दूसरी है वो है 5, 15 और 25, तो सिर्फ दो सीक्वेंसेस है, दोनों साथ साथ चल रही है, ये सबको समझ में आई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, अगर मैंने इसको कोड करना हो तो इसको मैं यूं कर लेता हूं, ओके जी, कंट्रोल फंक्शन जी, बताइए जी, चले जी, सीक्वेंसेस डिस्प्ले करनी है तो सीक्वेंस डिस्प्ले करने के लिए क्या करें, पहले हम S1 बनाते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती है, सीक्वेंस 2 है वो कहां स्टार्ट होती है, 5 से स्टार्ट होती है, तो यहां हम वाइल लूप लगाते हैं। अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, सीक्वेंस साइज इनपुट करवा लेते हैं, तो साइज इज इक्वल टू int इनपुट, अच्छा ये इसका शॉर्टकट भी है कि यहां पे हम ले लें जी साइज, बल्कि लिख देते हैं सीक्वेंस साइज, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने दो इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर दिया, ये कर रहा है, ये पहली इंस्ट्रक्शन ये कर रही है कि ये इनपुट लेगी लेकिन इनपुट स्ट्रिंग में आएगी, और फिर मैंने इसी को स्ट्रिंग जो आई है इसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और फिर जाके अपने साइज में स्टोर किया, ठीक है। जो पिछली एग्जाम्पल थी उसमें मैं क्या करता था, पहले मैं एच में स्टोर करता था, फिर एच इज इक्वल टू इंट ऑफ एच लिखता, ठीक है, तो इसी को डायरेक्ट करने का तरीका है कि आप डायरेक्टली ये लिखते, ठीक है। सो फॉर सो गुड, ठीक है, तो मैंने ये सीक्वेंस शुरू की, अगर आप देखें तो सीक्वेंस बी की भी काउंटिंग होनी है, तो आई इज इक्वल टू 1 से शुरू किया,
यानी ये सीक्वेंस की मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूं, तो i और यहां पे आएगा i इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ कोर्स साइज, ठीक है। और यहां पर हमने सबसे पहले करना है प्रिंट, और प्रिंट में जाके गौर से देखिए मैंने क्या करना है, मैंने करना है s1 डिस्प्ले, और फिर क्या डिस्प्ले करना है, फिर करना है जी सेपरेटर इक्वल टू कॉमा कर देते हैं, ठीक है, सही है। और फिर मैं यहां आता हूं और यहां करता हूं प्रिंट, यहां करता हूं s2, और यहां भी कर देता हूं क्या कॉमा, ठीक है, सॉरी सेपरेटर इज इक्वल टू कॉमा, ठीक है, और यहां करता हूं i प्लस इक्वल टू टू, y प्लस इक्वल टू पहली बात तो ये कि मैंने सीक्वेंस डिस्प्ले करनी है, मैं कहता हूं ना 10 तक सीक्वेंस, 10 की सीक्वेंस डिस्प्ले करो, तो एसेंशियली मुझे इन दोनों एक्चुअली होना क्या चाहिए, अगर मैं 6 डिस्प्ले करूं तो इस पहली सीक्वेंस की भी 3 डिस्प्ले होनी है और दूसरी सीक्वेंस की भी 3 डिस्प्ले होनी है ना, तो हर एक अल्टरेशन में मैं दोनों सीक्वेंस की एक एक डिस्प्ले कर देता हूं, ये बात समझ में आई। बात है कि इसमें साइज आना चाहिए वो ई बनाना चाहिए, ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है कि हमारी इस सीक्वेंस में जो साइज आएगा वो हमेशा क्या आएगा ई बनाएगा, इस तो समझ में आई बात, ठीक है। एक तो मैंने ये बात बता दिया कि आपको दोनों के दोनों सीक्वेंस मिलेंगी वो सॉरी जो साइज मिलेगा सीक्वेंस साइज वो हमेशा क्या होगा ई बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, डू यू अग्री कि एक लूप की आइटरेशन में हम एक सीक्वेंस नहीं डिस्प्ले कर रहे बल्कि दोनों सीक्वेंस का एक 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 टर्म डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है काउंटिंग में हमें दो का इंक्रीमेंट करना है क्योंकि हम एक आइटरेशन में दो सीक्वेंस डिस्प्ले कर रहे हैं, और हम अगर 10 डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसका मतलब है लूप 5 दफा चलेगा, ओके। तो यहां पे i प्लस इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको चलाऊं और यहां पे जाके क्लियर कर देता हूं, अच्छा आपका अच्छा आप बैठ जाए, ठीक है। अच्छा आप बताएं कि इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा और लेट्स से सीक्वेंस साइज की लेंथ बताएं, लेट्स से सीक्वेंस साइज की लेंथ मैंने दी हुई है, लेट्स से दी हुई है 4, तो क्या आउटपुट होगा बता सकते हैं आप, क्या आउटपुट होगा यहां पे, क्या आउटपुट होना चाहिए, ये प्रोग्राम चलेगा ना, तो ये पहले क्या डिस्प्ले करेगा S1 में क्या पड़ा हुआ है 1, और S2 डिस्प्ले करेगा और उसके दरमियान में क्या होगा कॉमा, और एक हमने और गलती की हुई है, वो क्या हो रही है 1 कॉमा के बाद वो नई लाइन पे आ गए, तो नई लाइन पे नहीं आना चाहिए, तो नई लाइन पे नहीं आने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं एंड इज इक्वल टू ये, ठीक है, एंड इज इक्वल टू ये का मतलब है कि मैं इसके बाद एंड ही करना चाहता हूं, ठीक है। और सिमिलरली मुझे ऑफ कोर्स इसके बाद भी करना है कि एंड इज इक्वल टू ये, ठीक है, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन सेपरेटर का भी तो फिर मसला है ना, तो फिर वो अदरवाइज वो फिर स्पेस भी वो ऐड कर देगा, हाँ जी बताइए जी क्या मसला है, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो क्या आउटपुट आएगी, मिनायल बताइए जी क्या आउटपुट आएगी, मैंने हेड से 6 कर देता हूं, क्या पढ़ाएगा 1, 5, 2, 15, 3, 25, ये तो आउटपुट नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने यहां पे क्या नहीं किया S1 प्लस इक्वल टू क्या नहीं किया 1 नहीं किया और S2 प्लस इक्वल टू 10 नहीं किया, एक तो ये गलती है, फिर भी इसको आउटपुट तो आनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं आई, सीक्वेंस साइज लेट्स से 10 कर दिया तो ये क्यों आ रहा है, कॉमा क्यों आ रहा है, ओ ये मसला है, क्या मसला, चले ये कर लेते, यूर असल मसला क्या बताया, आपने कह दिया सेपरेटर ये है और एंड नहीं है, तो वो भला क्या कर रहा है पता, वो क्योंकि
इसके सीक्वेंस के एंड में इसने ये कॉमा डाला हुआ है और हमने कह दिया इस एंड को रिमूव कर दो, जो एंड है ही नहीं। तो एक्चुअली ये दोनों इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो इसमें या तो एंड डालें या फिर ये डालें। ये बात समझ में आई क्या हुआ? उसने उसी को रिमूव कर दिया। तो मेरे ख्याल में यू आर राइट कि यहाँ पर यहीं पर कॉमा होना चाहिए। ठीक है, नाइस। अब हम सीक्वेंस साइज डालते हैं यहाँ पे, 10 किया हमने, दिया गया। कैन यू सी प्रॉब्लम? क्या सब कुछ समझ में आया क्या मसला? कि एंड में भी कॉमा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? राइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी शुड बी। अच्छा, अब इसको हम रोकते हैं, और वो रोकने का तरीकेकार क्या है? अच्छा, अब मैं ना आपके सामने इसको रोकता हूं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं। देर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन, मैं आपको दिखाता हूं क्या चीज है। देर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, देर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, सो लेट्स से एन है, एन की वैल्यू मैंने इंट और इनपुट करवाई, लेट्स से मैंने एन करवाया और हमने कहा देयर इज अ वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इफ, और इफ में अगर हम कहते हैं इफ एन मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो, ओके। अच्छा ये सॉरी, ये मैंने ये कर दिया कॉलम। अच्छा ये क्या एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है, तो मैं कहूंगा यहां पे प्रिंट जी एन इज एन इवन नंबर, ओके। अच्छा सबको पता है मॉड क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज बताता है कि एक नंबर को मैं दूसरे नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है। जैसे n है, अब n को मॉड 2 किया, इसका मतलब है n में जो भी वैल्यू आएगी उसका अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है। अगर मेरा रिमाइंडर 2-0 आता है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं और वो 0 रिमाइंडर दे, इसका मतलब क्या है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये बात समझ में? तो इवननेस को चेक करने का तरीका क्या होगा कि उसको 2 से डिवाइड करें और अगर वो 0 आता है तो उसका मतलब इवन नंबर है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह इफ होता है बिल्कुल उसी तरह एक एल्स भी होता है। एल्स में क्या करेंगे? एल्स में करेंगे हम प्रिंट क्या बेटा, एन इज एन ऑड। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो यू कैन चेक इट, इसने पूछा एन की वैल्यू, लेट्स से मैंने 20 एंटर की, तो ये कह रहा है एन इज एन इवन नंबर। मैं इसको दोबारा चलाता हूं और अब अगर मैं n में 21 कहूं तो n इज 21 इज एन ऑड। ये बात समझ में आई? मैं आपको चेक भी करा देता हूं। ये देखिए जी, मैं अगर इसको डीबग मोड में चलाऊं और यहां पे मैं इंस्ट्रक्शन चलाता हूं, लेट्स से ये कंट्रोल F10, तो इसने कहा जी मुझे n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू मैंने 20 बताई, यू कैन सी दैट यहां पे 20 वैल्यू आ गई है, आ गई है। और अब मैं देखता हूं n mod 2 क्या इसको इफ में जाना चाहिए या else में जाना चाहिए? हां, इसको 5 इस लाइन पे आना चाहिए या 7 लाइन पे आना चाहिए? 5 लाइन पे। ये देखिए जी, ये 5 लाइन पे आ गया। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, मैं आपको दोबारा रोकता हूं और अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूं और इसको डीबगिंग में दोबारा चलाते हैं। और दोबारा चला के मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं एन की वैल्यू एंटर करो, और एंटर कैसे करो, एन की वैल्यू मैं 21 एंटर करता हूं। अब देखें, अब क्योंकि n की वैल्यू 20 है तो n का मॉड लेंगे 2 के साथ, तो क्या वो डबल इक्वल टू 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो वाली 1 होती है। तो अब अगर मैं चलाऊंगा तो ये लाइन नंबर 7 पे जाएगा, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो आउटपुट आएगी 21 इज एन ऑड नंबर। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों कराया? ये मैंने इसलिए कराया है, मैं अब इसी प्रोग्राम पे वापस आता हूं। इसी प्रोग्राम को अगर आप देखें तो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, ये देखिए जी, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम डैश प्रिंट करना चाहते हैं,
हम सॉरी डैश करो कॉमा डिस्प्ले करना चाहते हैं लेकिन आखिरी दफा नहीं करना चाहते है ना। तो ये देखिए हम एक बड़ी मजेदार चीज कर सकते हैं, ये मैं क्या करता हूं, ये देखें मैं एंड इज इक्वल टू नथिंग कर देता हूं यहां पे, और यहां पे आई प्लस इक्वल टू टू करने के बाद मैं चेक करता हूं कि कहीं आखिरी दफा तो नहीं है। क्या मतलब, इफ ये देखें जी इफ आई इज लेस देन क्या साइज, अगर आई इज लेस देन साइज ऐसे मतलब ये आखिरी दफा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे यहां पे हम कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट में लिख देंगे क्या एंड सॉरी एंड इक्वल टू क्या भला कॉमा। ठीक है तो अब हम चलाते हैं इसको, सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस की वैल्यू 10 है और एंटर दबाते हैं। देखिए अब आखिरी दफा अच्छा हाँ डबल इक्वल टू क्यों लगाया था। अच्छा सी प्लस प्लस जितनी भी लैंग्वेज है ये किधर गया ये वाला, अच्छा यहाँ पे ना हमने डबल इक्वल टू लगाया था है ना, ये देख रहे हैं आप डबल इक्वल लगा हुआ। अच्छा डबल इक्वल टू बेटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो इक्वल टू है ना इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, राइट साइड वाली चीज लेफ्ट वाली चीज को असाइन हो गए। जो डबल इक्वल टू है ना तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में डबल इक्वल टू का मतलब यही होता है कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बात समझ में ठीक है। अच्छा अब हम एक और काम करते हैं और वो ये है अब हम एक और काम करने लगे और वो काम है अच्छा जी सवाल ये है कि लेट्स से एक नंबर है जिसको मैं एन वन कह देता हूं बल्कि छोटा एन वन कह देता हूं इंट और यहां पे कर देता हूं इनपुट और यहां मैं कह देता हूं एन वन ठीक है। अच्छा इमेजिन करें कि मैं तीन नंबर इनपुट करवाता हूं, आप और से देखें प्लीज, मैंने तीन नंबर इनपुट करवाए और मैंने इस तरह इनपुट करवा दिए और मैं चाहता हूं कि इनके इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो मैं बताना चाहता हूं कि वो कौन सा ठीक है। अच्छा लेट्स से कि पहले मैं क्या करता हूं, लेट्स से थर्ड नंबर मेरा नहीं है ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इफ हाँ जी बताएं इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्रिंट जी बताएं मैं करूंगा एन वन इज ग्रेटर देन एन टू ठीक हो गया ठीक है। और यहां लिखेंगे क्या एल्स और यहां क्या लिख देंगे प्रिंट एन टू पता लग गया मुझे is greater than यहां क्या आ जाएगा n1 आ जाएगा ठीक है। does it make sense? तो इसको हम चला लेते हैं, चलाया मैंने n1 इसने एंटर करवाया मैंने कहा लेट्स से 100 और n2 इसने एंटर करवाया 200 तो क्या आंसर आना चाहिए 200 is greater than 100 ये बात समझ में ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है ये तो थे दो नंबर, अगर मैं कहूं कि मेरे पास तीन नंबर हैं तो तीन नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा। अच्छा बाद में एक और काम भी हो सकता है ये देखिए 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 भाई ये तीनों इक्वल भी तो हो सकते हैं है ना, तो इसे कहते हैं एल के साथ आप एक और इफ लगा दें, इसे कहते हैं इफ एल ठीक है अलिफ कहते हैं, और एल इफ में मैं कहता हूं क्या एन टू मेरा ग्रेटर देन है एन वन से, अगर ऐसा है तो ठीक है और इसके एल्स में हम लिख देंगे क्या भला n1 is equal to n2. Does it make sense? So what is elif? Elif का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि या तो ये true, अच्छा अगर वो true हो गया तो फिर ये नीचे वाली दोनों conditions check नहीं होगी। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? अगर ये n1 वाली condition true हो गई, देखिए मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैं कहता हूँ print और यहाँ मैं कहता हूँ let's say program ended. ठीक है? ये गौर से देखें मैं आपके सामने भी चलाने लगा Alt Control Enter ठीक है ये देखिए मैंने ये पहला नंबर लिया इनपुट मैंने फंक्शन F Control F10 प्रेस किया ये पहला नंबर इसने एंटर करवाया लेट्स से मैंने कहा जी 100 है और मैंने Control F10 दबाया
सेकंड नंबर इनपुट करवाया वो लेट्स से मैं कहता हूं 20 है। अच्छा मुझे बताएं पहला इफ चलेगा या नहीं चलेगा, पहले इफ में क्या पढ़ा, एन1 में क्या पढ़ा हुआ बेटा, एन1 में क्या पढ़ा हुआ है ये आप देख लें, एन1 में क्या पढ़ा हुआ बेटा, एन1 में 100 पढ़ा हुआ है और एन2 में क्या पढ़ा हुआ है, एन2 में 20 पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एफ ये इसके अंदर आ गया। और आप देखें इस सिक्स लाइन के बाद पता कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि वो इफ चल गया, अब उसके एल्सेस नहीं चल, अब उसने डायरेक्टली कहां जाना है, डायरेक्टली जाना है इन सारे एल्सेस एल्सेस के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है जो कि ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये देखें, ये देखें कंट्रोल F10, ये कट्ठी लाइन नंबर 13 पे आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी व्यवस्था है, इसे कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि अगर वो एक इफ चल गया है, अगर एक इफ चल गया और अगला एल्स इफ है, अगला क्या है, अगर मैं यहां पर भी इफ लिख देता, ये देखिए वॉच मेरे पास, अब प्लीज लुक एट दिस कि मैं क्या करने जा रहा हूं, यार तू बैठ जा, मैं सॉरी अबाउट दिस, मैंने देखा नहीं तुम। अच्छा अगर देखें, अगर मैं ये लिख देता और यहां पे मैं ये लिख देता, वहां से देखें, ये देखें मैं कहता हूं N1 डबल इक्वल टू N2। अब ये भी मैंने प्रोग्राम लिखा है। अच्छा ये वाला प्रोग्राम अच्छा है या पहले वाला प्रोग्राम अच्छा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारी की सारी इफ चेक करेगा। ये देखें ऑड शिफ्ट एंटर, मैंने N1 एंटर किया, मैंने ये कंट्रोल F10 दबाया, मैं इसके अंदर आया, मैंने लेट्स से 100 किया, फिर मैंने कंट्रोल F10 दर्ज किया, दूसरी में मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, अब ये गौर से देखें, ये पहला इफ चलेगा, इसके अंदर वो आया है और प्रिंट भी कर दिया कि 100 इज ग्रेटर देन 20 है, लेकिन वो लाइन नंबर 7 पे आया है और लाइन नंबर 7 भी वो एग्जीक्यूट करेगा और लाइन नंबर 9 भी वो एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, लाइन नंबर 8 वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कंडीशन तोड़ देगा। ओके, ये बात समझ आ गई? और इस तरह ये A10 वाली भी चेक नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई और वो ये थी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा कंडीशन लगा ली। एक से ज्यादा कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 3 नंबर इनपुट करवाया तो 3 नंबर्स में से जब मैंने ग्रेटर निकालना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज ग्रेटर देन N3। तो हम यहां लिखेंगे N1 इज ग्रेटर देन N2 N3। ओके, और इसी तरह यहां पर लगाना पड़ेगा क्या, एंड करके क्या लिखना पड़ेगा, N2 इज ग्रेटर देन N3 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर एंड N, सॉरी ये एक और भी इफ लगेगा जिस पे N3 की ग्रेटरनेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।